Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. परमेश्वर जना वाला स्तुति असो. I praise and thank my God who brought me here with you. I praise my God. मैं आपके मध्य में मुझे यहाँ लेकर आने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर ने तुमच्या मध्ये मला घेऊन आले हूँ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करतो. Past days, past years, God was with me and guided me and guarded me. And you also remembered and prayed for that. I praise my God. गुजरे दिनों में मेरे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, मुझे चलाया, उसके लिए आप लोगों ने भी प्रार्थना किया, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. आणि मागील दिवसांमध्ये परमेश्वर मला सांभाळले आणि तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना केली, म्हणून मी आभारी अंतकरणाने तुमच्या सगळ्यांचा परमेश्वराच्या नावामध्ये धन्यवाद करतो. Now I am in Baroda. Continue to pray for me and our ministry there. You remember in your family prayer and personal prayer also. अभी मैं बड़ौदा में हूँ, वहाँ की सेवा के लिए भी आप प्रार्थना करें और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी हमें याद करें. आणि बड़ौदा सेंटर मध्ये मी आता है आणि त्या सेवेसाठी तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा आणि व्यक्तिगत रीति देखील त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. Please turn to 1 Peter 3rd chapter 9th verse. हम पहला पत्रस तीसरे अध्याय के नवे वचन में जाएंगे. आणि पहला पत्र तीसरा अध्याय त्याच्या नवे वचना मध्ये आपण जाऊया. 1 Peter 3:9. वाईटाबद्दल वाईट, निंदेबद्दल निंदा असे करू नका, तर उलट आशीर्वाद द्या, कारण आशीर्वाद हे वतन मिळवण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करण्यात आले आहे. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that you are there unto call, that you should inherit a blessing. God should speak through this verse and bless us. For let's praise God. इस वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बात करने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, आइए मिलकर हम धन्यवाद करें. या वचनाद्वारे प्रभु आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद करण्यासाठी मिळू आपण सगळे धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We are a small group of people redeemed by the blood of Jesus. हम एक छोटे झुंड के लोग हैं जो मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं. आपण छोटे से लहान कळप आहे, आपण येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे सोडवलेले आहे. According this verse here it is mentioned we are called to receive an inheritance of blessing. यहाँ पे इस वचन के आधार पर ये कहा गया है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं. आणि आपण या वचनामध्ये बघतो की आशीर्वादाचे वारस होण्यासाठी आपण बोललेले आहो. We all are called by God. हम सभी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं. आपण सगळे परमेश्वराकडून बोलावलेले आहे. We are not called by men. हम मनुष्यों के द्वारा बुलाए नहीं गए हैं. आपण मनुष्याद्वारे बोलावलेले नाही. Not otherwise by any company or dealers or anybody. We are called by God. हम किसी कंपनी या उसके डीलर्स के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं. आपण कुठला कंपनी किंवा डीलर किंवा विक्रेता द्वारे आपण बोलावले नाही, तर परमेश्वराकडून आपण बोलावलेले आहे. You can see every company calling people for their employees and they are attending the interviews and getting job and living in this world. हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग कंपनियां अपने लिए श्रमिकों को बुलाती हैं, उनका साक्षात्कार लेकर अपनी अपनी कंपनियों में उन्हें नियुक्त करती हैं. ऐसा लोग जीवन संसार में जीवन बिताते हैं. अपन जगह मध्ये बघतो की जे कंपनी आहे ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा ते इंटरव्ह्यू घेतात आणि असे आपण त्यांना बघतो की या जगह मध्ये ते जीवन जगत आहे. But we are a group of people called by God to receive something. हम ऐसे एक छोटे झुंड के लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए बुलाए गए हैं. अपन असे छोटे लहान कळप आहे की परमेश्वराकडून काय प्राप्त करण्यासाठी आपण बोलावलेले आहे. But so many time we are living, even though we are living Christian life, we are not knowing for what purpose we are called. लेकिन एक यद्यपि हम एक मसीही जीवन जीने पर भी कई बार हम नहीं जानते हैं कि हम किस लिए बुलाए गए हैं. अपन क्रिस्ती जीवन जगत आयो पण आपल्याला कशाला बोलावले हे आपल्याला माहित नाही. वन मोर इयर गॉड एडेड इन आवर लाइफ टू रिसीव ब्लेसिंग्स. परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और साल बढ़ा कर दिया है ताकि हम आशीषों को पाए. परमेश्वर ने अपने जीवन मध्ये आणखीन एक वर्ष वाढून दिला की आपण परमेश्वराकडून आशीर्वाद प्राप्त केला पाहिजे. समडे you may not inherit so many blessings in the past years, but God added one more year so that you can inherit blessing.
हो सकता है गुजरे सालों में आपने आशीषों को ना पाया हो, लेकिन परमेश्वर ने एक और साल हमें इसलिए बढ़ा कर दिया है ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त करें। आणि मागील वर्षामध्ये तुम्ही जर आशीर्वाद प्राप्त केला नसेल, परमेश्वर आपला दया करून नवीन वर्ष दिला, या नवीन वर्षामध्ये आपण आशीर्वाद प्राप्त केला पाहिजे। सो ब्लेस स्पिरिच्युअल फिजिकल एंड इटर्नल ब्लेसिंग्स वी नीडेड। हमें आत्मिक अक्षरिक और अनंत आशीषों की आवश्यकता है। आणि आत्मिक आणि शारीरिक आणि आशरित अशा आशीर्वादाची आपल्याला गरज आहे। सो मेनी पीपल व्हेन दे आर फिजिकली ब्लेस्ड दे आर सैटिस्फाइड विद दैट। जब कई बार ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से आशीषित होते हैं वे उससे ही तृप्त हो जाते हैं। आणि लोकांना आपण बघतो की शारीरिक आशीर्वाद नुसार ते तृप्त होतात, आपण ते बघतो। मनी मटेरियल कॉस्ट बिल्डिंग देन दे आर सैटिस्फाइड, दे आर सेइंग वी आर ब्लेस्ड पीपल। जब उन्हें धन संपत्ति और गाड़ियां होती है तब ये लोग संतुष्ट होकर कहते हैं कि हम धन्य लोग हैं। आणि जेव्हा धन संपत्ति आपल्या त्यांना मिळते आणि ते तृप्त होऊन म्हणतात की आमच्याकडे सगळं आहे, देन दे बिकम सो अरगंट अँड दे आर नॉट रिवीलिंग द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स। उसके बाद वे लोग ऐसे जिद्दी या अड़ियल हो जाते हैं कि वे अपने आत्मिक आशीषों को प्रकट नहीं करते हैं। आणि ते असे जिद्दी असे बनतात की ते आपले आत्मिक जे आशीर्वाद आहे त्याला ते प्रकट करत नाही। सो मेनी पीपल आर ब्लेस्ड स्पिरिच्युअली बट देर इज नो फिजिकल और स्पिरिच्युअल एनी लिटरल ब्लेसिंग्स। कई लोग आत्मिक रूप से बहुत अधिक आशीषित होते हैं लेकिन उनके अंदर आक्षरिक आशीष नहीं दिखती है। आणि खूप लोक आत्मिक रीतीने ते आशीर्वाद असतात पण ते आश्चर्य त्याचे स्वतः असे दिसत नाही। बोथ वी नीडेड। हमें क्या चाहिए? आपल्याला काय पाहिजे? बोथ वी नीडेड। हमें दोनों ही चाहिए। आपल्याला दोन्ही पाहिजे। स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग ऑल्सो इज वी नीडेड अँड फिजिकल ब्लेसिंग ऑल्सो वी नीडेड। हमें आत्मिक आशीष भी चाहिए और आक्षरिक आशीष भी चाहिए। आपल्याला आत्मिक आशीर्वाद पाहिजे आणि शारीरिक आशीर्वाद देखील पाहिजे। व्हाइल वी आर इन दिस वर्ल्ड वी नीड सो मेनी लिटरल ब्लेसिंग। जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं हमें बहुत सी भौतिक आशीषों की आवश्यकता है। आपण जगामध्ये जीवन जगतो आपल्याला खूप अशा आशीर्वादाची गरज असते। हाऊस चिल्ड्रन फॅमिली सोसायटी ऑल दीज थिंग्स वी नीड अदरवाइज वी कॅनॉट लिव। परिवार संतान घर और समाज ये सारी बातें हमें इस जगत में चाहिए नहीं तो हम जीवन नहीं बिता पाएंगे। आणि कुटुंब मुलं आणि आपले जे बाकीचे लोक आपल्याला सगळे पाहिजे। आपण असे जीवन जगू त्यांच्याशिवाय आपण जीवन जगू शकत नाही। वी कॅन सी गॉड कॉल्ड अब्राहम and he blessed him and God enabled to him to inherit all so many blessings. हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बहुत अधिक बहुत सी आशीषों का वारिस होने के लिए प्रभु ने उसकी सहायता किया। आपण बघतो की परमेश्वर ने अब्राहमला बोलवले आणि खूप असे त्याला आशीर्वाद देऊन त्याला वारस होण्यासाठी बनवले। Isaiah 51 chapter second verse. यशायाह 51 अध्याय के दूसरे वचन में। यशायाह पुस्तक 51 अध्याय त्याचा दुसरे वचन। So God here God is telling his people look unto your father Abraham. यहाँ पे परमेश्वर लोगों से कहता है अपने पिता मूल पुरुष इब्राहिम की ओर देखो। आणि परमेश्वर म्हणतो जे अब्राहम आपला मूल पुरुष त्याच्याकडे तुम्ही बघा। व्हाट आय डिड अनटू हिम आय वांट टू डू टू यू ऑल्सो। मैंने उसके जीवन में जो किया वो तुम्हारे जीवन में भी मैं करना चाहता हूँ। मी त्याच्या जीवनामध्ये जे काही केले ते तुमच्या जीवनामध्ये करू इच्छितो। अब्राहम तुमचा पिता व सारा तुमची जननी ह्यांकडे लक्ष द्या, तो एकटा होता तेव्हा त्याला मी बोलवले व त्याला आशीर्वाद देऊन त्या एकाचे पुष्कळ केले। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। Look unto Abraham your father and unto Sarah that bare you, for I called him alone and blessed him and increased him. When God was called Abraham, he was alone. He was one, only one. जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तब वो अकेला था। जब परमेश्वर ने अब्राहमला बोलावले तेव्हा तो एकटाच होता। God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर ने त्याला आशीर्वाद दिला। God increased him. परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आणि परमेश्वर ने त्याला वाढवले। The same God is called me and you also to inherit the blessings. उसी परमेश्वर ने ही मुझे और आपको बुलाया है कि हम आशीष के वारिस बने। आणि त्याच परमेश्वर ने मला आणि तुम्हाला बोलवले की आशीर्वाद प्राप्त आणि वारिस होण्यासाठी। Especially we all should receive Abraham's blessing, for that only Jesus also
died in the cross. विशेष रूप से हमें अब्राहम के पाए हुए आशीषों को पाना है, इसीलिए यीशु भी कलवरी क्रूस पर मरा. जैसे अब्राहम ने जे आशीर्वाद प्राप्त केले आणि ते आशीर्वाद आपण प्राप्त केलेला पाहिजे, कारण की आपला येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मृत्युमुखी पावला आहे. In Galatians 3rd chapter we can see. गलातियों तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं. गलतीकरास पत्र मध्ये तिसरा अध्याय मध्ये आपण बघू शकतो. Third chapter 13 to 14. तीसरा अध्याय का 13वे वचन और 14वा वचन. आणि तिसरा अध्याय त्याचा 13 आणि 14वा वचन. आपना बदल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडविले. जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे असा शास्त्रलेख आहेत. ह्यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद ख्रिस्त येशू मध्ये परराष्ट्रीयांना मिळावा, म्हणजे आपल्याला विश्वासाच्या द्वारे आत्म्याविषयीचे अभिवचन मिळावे. मसीने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है. यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Here, three blessings are mentioned, we can receive because of Jesus' death. यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु के मृत्यु के कारण हम तीन प्रकार की आशीषों को पा सकते हैं. आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूच्या कारणाने आपण तीन आशीर्वाद प्राप्त करू शकतो असे वचनामध्ये लिहिले आहे. One is we can get a redemption from the curse. सबसे पहला है कि हम अब श्राप से मुक्ति पा सकते हैं. सर्वप्रथम आपण शापापासून मुक्ति मिळू शकतो. Then we can receive Abraham's blessings. उसके बाद आप अब्राहम के आशीषों को पा सकते हैं. आणि दुसरे म्हणजे अब्राहमाचा आशीर्वाद आपण प्राप्त करू शकतो. Then we can receive the promise of the Spirit through faith. और विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को भी हम पा सकते हैं. विश्वासाच्या द्वारे आत्माचा अभिषेक आपण प्राप्त करू शकतो. Now we are all are enjoying the Holy Spirit. If Jesus was not hanged on the cross, he was not died and rose again, we cannot receive it. आज हम पवित्र आत्मा में आनंदित होते हैं. यदि मसीह यीशु नहीं मरता, यदि वो तीसरे दिन नहीं जी उठता, तो हम उस आत्मा के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते. आता अपन पवित्र आत्मा में आनंद करतो. प्रभु येशू ख्रिस्त मेला आणि तीसरे दिवस जीवन झाला, तर तो असं झालं नसतं तर आपण पवित्र आत्मा में आनंद व्यक्त करू शकलो नसतो. When Jesus he became hanged on the tree and became cursed for us. जब मसीह यीशु क्राट पे लटकाया गया और वह एक श्राप बन गया. आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताला झाडावर टांगले आणि तो आपल्याला श्रापित झाला. We are redeemed from the all kinds of curse of law. और व्यवस्था के सारे श्राप से हम मुक्ति छुटकारा पाते हैं. आणि नियमाच्या सगळ्या शापापासून आपण सगळे मुक्त होतो. So many people nowadays, even though they are called, they are following Christ, they are in the Christian fellowship, but they are under so many pain kind of curse. बहुत से लोग यद्यपि वे मसीह कहलाते हैं, मसीह की समुदाय में दिखाई देते हैं, लेकिन कई प्रकार के श्राप से ग्रस्त होते हैं. आपण बघतो खूप लोक ख्रिस्ती असे दिसतात, पण ते खूप अशा अडकणांमध्ये आणि त्या श्रापामध्ये ते ग्रस्त आहे. We must believe the crucifixion of Christ, by that you can deliver from all the curses. हम मसीह के क्रूस की मृत्यु पर हमें विश्वास करना चाहिए, उसके द्वारा हमें सारे श्राप से छुटकारा मिल सकता है. प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावर आपण विश्वास केला पाहिजे, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्या श्रापापासून आपल्याला मुक्ती मिळेल. After you are redeemed from the curse, you need a blessing. That's why that for that also Jesus hanged on the cross. उस श्राप से छुटकारा पाने के बाद आपको आशीषों की जरूरत है, इसीलिए प्रभु येशु क्रूस पर मरा. आणि श्रापापासून छुटकारा प्राप्त करून तुम्हाला आशीर्वाद प्राप्त करण्याची गरज आहे, कारण की येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर तो आपल्यासाठी मेला. टुडे स्पेशली व्हाट इज अब्राहम्स ब्लेसिंग वी विल मेडिटेट. आज विशेष रूप से हम अब्राहम के पाए हुए आशीषों पर ध्यान करेंगे. आज आपण अब्राहमाने प्राप्त केलेल्या त्या आशीर्वादाबद्दल आपण विशेष करून ध्यान करूया. ऑल दोज हू आर सिटेड हियर, वी आर ऑल आर जेंटाइल्स. जिन लोगों ने उन आशीषों को पाया, ऑल दोज हू आर हियर, वी आर जेंटाइल्स. हम में से ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी अन्य जाति हैं. आपण इथे बसलेले किती जे लोक आहेत, ते सगळे अन्य जातीतून आलेले आहे. बिफोर ज्यूज वी ऑल आर
Gentiles. यहूदियों के समक्ष हम सभी अन्य जाति हैं. अन्य यहूदियों प्रमाणे अपन सगे अन्य जाति चाहो. We are not Jews. हम यहूदी नहीं हैं. अपन यहूदी नहीं. In front of God's people, Jews, we are strangers, or we are Gentiles. ये मसीह परमेश्वर के जन, ये इस्राएलियों के, ये यहूदियों के मध्य सामने हम सभी लोग अन्य जाति हैं. अपन यहूदी समोर अपन अपन अन्य जाति जैसे लोग अपन आओ. God want to share the same Abraham's blessing through Christ to me and you also. अब्राहम परमेश्वर अब्राहम के उन्हीं आशीषों को मसीह यीशु में और मुझ में मेरे द्वारा मुझ में और आप में बांटना चाहता है. आणि प्रभु अब्राहमाचे जे आशीर्वाद प्रभु यीशु ख्रिस्ता मध्ये तुम्हाला आणि मला तो आशीर्वाद वाटू इच्छितो. That's why God called you and separated you from your group and where the denomination and from your and brought this fellowship. इसीलिए परमेश्वर ने आपको मुझे अपने अपने परिवार में से या अपने अपने जाति में से अलग किया है. परमेश्वर ने मला आणि तुम्हाला आपल्या आपल्या जाती मधून आणि त्या स्थानामधून परमेश्वर ने वेगळे केलं. We want to examine whether I am received that Abraham's blessing. हमें ये जांच कर देखना चाहिए कि क्या हमने उन अब्राहम के आशीषों को पाया है या नहीं. आपण आपल्या जीवनाला पारखून बघितले पाहिजे की आपण अब्राहमचे आशीर्वाद प्राप्त केले आहे काय. 40 years, 50 years, 60 years. Then finally one day we will depart from this world also. 40 साल 50 से ले 60 साल के बाद अंत में एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे. आणि 40 वर्ष 50 वर्षानंतर एक दिवस आपण या जगामधून जाणार आहे. But before we are departing, from the day onwards we want to receive, we should receive Abraham's blessing and show to the world I received Abraham's blessing. हमारे इस स्थान इस जगत से जाने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मैंने अब्राहम की सारी आशीषों का पा लिया है या मैं उसका वारिस बन चुका हूँ. ये स्थान ये जग सोडून जाने अगोदर अपन अब्राहमचे आशीर्वाद प्राप्त केले आपण निश्चय अपन ते केले पाहिजे. In which society you are, you want to show to the people, dear brother and sister, God called me, I received all and Abraham's blessing. प्रिय भाइयों और बहनों, आप जिस किसी भी समाज में क्यों ना हो, वहाँ पर आपको ये प्रकट करके दिखाना चाहिए कि मैंने अब्राहम की सारी आशीषों को पा लिया है. बंधु आणि भगिनी, तुम्ही जेथे राहता त्या समाजामध्ये तुम्ही असे दाखवलं पाहिजे की अब्राहमचे आशीर्वाद मी प्राप्त केलेले आहे. इट मे बी सर्वेंट्स ऑफ गॉड, इट मे बी बिलीवर्स. आप विश्वासी हो सकते हैं या सेवक भी हो सकते हैं. तुम्ही विश्वासणारे असू शकता किंवा सेवक असू शकता. यू वांट टू शो द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द I hear the calling of God, I redeemed from the curse, and not only that, I obtained and inherit Abraham's blessing. आपको जगत को ये प्रकट करना है, ये दिखाना है कि क्योंकि मैंने परमेश्वर की बुलाहट को चुना, को माना, इसलिए मैं अब्राहम की आशीषों का वारिस बना और श्राप से भी मैंने छुटकारा पाया. आणि जगाला तुम्हाला असं दाखवायचंय की तुम्ही ती बुलाहट तुम्ही त्यांना दाखवले पाहिजे आणि ते अब्राहमचे आशीर्वाद आम्ही प्राप्त केले असे त्यांना दिसून आले पाहिजे. इफ यू आर नॉट अनेबल टू रिसीव अब्राहम्स ब्लेसिंग शो टू दिस वर्ल्ड, हाउ यू आर गोइंग टू get the eternal blessing from heaven. यदि आप इस संसार में रहते हुए अब्राहम की आशीषों को प्राप्त कर जगत को उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं तो नित्यता की आशीषों को आप कैसे पाएंगे. या जगह मध्ये राहून तुम्ही जर अब्राहमचे आशीर्वाद प्रकट करू शकत नाही तर स्वर्ग राज्यामध्ये तुम्ही कसे दाखवू शकता. Every children of God should be delivered from the curse of the law and filled with the blessing of Abraham. हर एक परमेश्वर का जन व्यवस्था के श्राप से मुक्ति पाना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए और अब्राहम की आशीषों से मामूर होना चाहिए. हर एक जनाने त्या व्यवस्थेच्या नियमाच्या श्रापापासून मुक्त व्हायला पाहिजे आणि अब्राहमचा आशीर्वाद त्याने सगळ्यांनी प्राप्त केला पाहिजे. Then you should receive the Holy Spirit and prepare for eternal blessing. और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा का आशीष. After that, उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक माना है और नित्यता के आशीषों के लिए वारिस बनना है. त्यानंतर तुम्हाला पवित्र आत्माचा अभिषेक प्राप्त करायचा आहे आणि सार्वकालिक जीवनासाठी तुम्हाला वारस व्हायचा आहे. डोंट सॅटिस्फाई विथ अब्राहम्स ब्लेसिंग्स. सिर्फ अब्राहम के आशीषों को पाकर संतुष्ट मत होइए. फक्त अब्राहमचे आशीर्वाद प्राप्त करून तुम्ही तृप्त होऊ नका. अब्राहम्स ब्लेसिंग विल नॉट टेक यू टू हेवन. अब्राहम की आशीषें आपको स्वर्ग तक नहीं ले जाएंगी. अब्राहमचे आशीर्वाद तुम्हाला स्वर्ग राज्यापर्यंत घेऊन जाणार नाही. रिसीविंग द अब्राहम्स ब्लेसिंग, देन यू रिसीव द होली स्पिरिट. By that you should be led by that and guided by and you should be prepared for the eternal blessing. अब्राहम की आशीषों के पाने के बाद आपको पवित्र आत्मा का आशीष पाना चाहिए. उसके बाद वो आपको चलाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, उसके द्वारा आप नित्यता की आशीषों के वारिस बन पाएंगी. अब्राहमचा आशीर्वाद प्राप्त केल्यानंतर तुम्ही पवित्र आत्मा प्राप्त केला पाहिजे. पवित्र आत्मा आपल्याला चालेल आणि तो आपल्याला स्वर्ग राज्यामध्ये घेऊन जाईल. So today also God is calling. You can hear his voice
and come and receive this blessing in your life also. आज के दिन परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उस बुलाहट को चुनकर अपने जीवन में उन आशीषों को पा सकते हैं। आज तुम्हाला परमेश्वर बोलता है, त्या पाचनाला तुम्ही स्वीकार केले पाहिजे। एनी न्यू सोल्स आर हियर, यहाँ पे कई नई आत्माएं हैं, येथे नवीन नवीन आत्मे बसलेले आहे। टुडे ऑल्सो गॉड इज कॉलिंग यू टू रिसीव दिस एक्सपीरियंस। आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप इन आशीष इन अनुभवों को प्राप्त करें। आज देखिए परमेश्वर तुम्हाला बोलवत आहे ते अनुभव तुम्ही सगळ्यांनी प्राप्त केला पाहिजे। Psalm 50 first verse it is mentioned, भजन 50 के पहले वचन में कहा गया है, स्तोत्र संहिता 50 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये लिहिलं आहे, देवाधिदेव परमेश्वर बोलला आहे, त्याने सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपर्यंत पृथ्वीला हाक मारली आहे। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। द माइटी गॉड इवन द लॉर्ड हैज स्पोकन एंड कॉल्ड द अर्थ फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन अनटू द गोइंग डाउन थेरऑफ। एवरी डे गॉड इज कॉलिंग द पीपल ऑफ द लैंड, कम 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 एंड रिसीव द अब्राहम्स ब्लेसिंग, कम एंड रिसीव द होली स्पिरिट। प्रतिदिन परमेश्वर इस जगत के लोगों को बुलाता है, ये कहता है मेरे पास आओ और अब्राहम की आशीषों के वारिस बनो। आणि प्रतिदिन परमेश्वर सगळ्या लोकांना बोलवतो की तुम्ही सगळ्यांनी अब्राहमाचा आशीर्वाद प्राप्त करा। इन दिस डे ऑल्सो गॉड इज कॉलिंग यू, एनी न्यू सोल्स आर हियर, यू कम अटेंड दैट कॉल and receive all these blessings. आज के दिन में यदि यहाँ कोई नया आत्मा बैठा है तो उसे परमेश्वर बुला रहा है और उसे ये कहता है कि तुम आशीषों के वारिस बनो। आज जे आलेला आहे परमेश्वर म्हणतो तुम्ही आशीर्वादाचे वारस बनणार आहे असे परमेश्वर म्हणतो। All those who are, most of those who are gathered here, we are believers. That's why I am going to somewhat deep in this subject. हमें से ज्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हैं वो विश्वासी हैं, इसलिए इस विषय में मैं गहराई से स्पष्ट करना चाहता हूँ। आणि ते वसणारे जे विश्वासणार आहे त्याला म्हणून मी गुप्तपणे असे सगळे गण मी सांगणार आहे। How many of you can show the world your family members Abraham's blessing? आप में से कितने लोग इस पृथ्वी पर या समाज और अपने परिवार को ये प्रकट कर सकते हैं कि आपने अब्राहम की आशीषों को पा लिया है? किती लोक असे प्रकट करू शकतात की आपल्या समाजामध्ये आपल्या त्या गावामध्ये की मी अब्राहमाचे आशीर्वाद प्राप्त केलेले आहे? Genesis 12 chapter we can see, उत्पत्ति 12वें अध्याय में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति जे 12वें अध्याय मध्ये आपण बघू शकतो, When Abraham was alone he called with a promise of blessing. जब अब्राहम अकेले था उस समय में आशीष के वायदे के साथ वो बुलाया गया। जब अब्राहम एकटा होता तेव्हा आशीर्वादाचे अभिवचन त्याला मिळाले। 12 chapter first third verse, पारवे अध्याय का पहले तीन वचन आणि 12वें अध्याय त्याचे पहिले तीन वचन, परमेश्वराने अब्राहमास सांगितले, तू आपला देश आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा, मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करीन, मी तुला आशीर्वाद देईन, तुझे नाव मोठे करीन, तू आशीर्वादित होशीन, तुझे जे अभिष्ट चित्तील त्यांचे मी अभिष्ट करीन, तुझे जे अनिष्ट चिंततील त्यांचे मी अनिष्ट करीन, तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील। यू कॅन रीड इन युअर ओन लँग्वेजेस, आप अपनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं। सो हियर इट इज मेंशनड गॉड इज कॉलिंग हिम विद अ प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आशीष के वायदे के साथ उसे बुलाया है। परमेश्वर आपण या वचनामध्ये बघू शकतो की आशीर्वादाच्या करारामध्ये त्याला बोलवले आहे। व्हाट ऑल आर द ब्लेसिंग्स आर mentioned there, यहाँ पर कौन कौन से आशीषों के बारे में कहा गया है? येथे या वचनामध्ये कुठल्या कुठल्या आशीर्वादाचं वर्णन केलं आहे? आई विल मेक दी ए ग्रेट नेशन, मैं तुझे एक बड़ी जाती बनाऊंगा, मी तुला एक मोठे जाती बनवेल। इन दैट टाइम देर वॉज नो चिल्ड्रन फॉर हिम, उस समय में उसकी कोई संतान नहीं थी, आणि त्यावेळेस त्याचे कुठले पुत्र संतान नव्हते। बट गॉड सेड आई विल मेक यू ग्रेट, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर म्हटले मी तुला मोठे राष्ट्र बनवेल। आई विल ब्लेस दी, मैं तुझे आशीष दूंगा, मी तुला आशीर्वाद देईन, मेक थाय नेम ग्रेट, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, आणि तुझे नाव मी मोठे करील, एंड दाउ शाल बी ए ब्लेसिंग, और तू एक आशीष का मूल होगा, तू आशीर्वादित होशील, एंड आई विल ब्लेस देम दैट ब्लेस दी, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जे तुला आशीर्वाद देतील ते तू त्यांना आशीर्वाद देशील, एंड कर्स हिम दैट कर्स दी, और जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा।
जे तुला श्राप देतील मी त्यांना श्राप देईल. And in thee shall all families of the earth be blessed. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. आणि सगळ्या भूमंडळातील सगळे लोक तुझ्या द्वारे आशीर्वाद प्राप्त करतील. Here in this promise he started his journey. और यहाँ पर ऐसे इस वायदे के साथ ही उसने अपनी यात्रा आरंभ की. अशा त्या अभिवचनाद्वारे त्याने ती यात्रा सुरुवात केली. In the fourth verse we can see, so Abraham departed as the Lord has spoken unto him. और यहाँ तीसरे चौथे वचन में देखते हैं यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला. आणि तिसऱ्या चौथ्या वचना मध्ये बघतो की अब्राहम तो परमेश्वराच्या वचनानुसार तो चालला. Now God also called us, that's why we are following this truth. अभी परमेश्वर ने भी जैसे हम इस सत्य का अनुसरण करते हैं परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है. आपण देखील जे सत्याचे अनुसरण करतो परमेश्वर आपल्याला देखील बोलावले आहे. गॉड नाउ सम पीपल 10 years before, 20 years before, 40 years before, another 2 years before, God called, we are started our journey. हम में से कितने हम लोग जिन्होंने 30 साल, 40 साल या 10 साल या 2 साल पहले इस बुलाहट को चुना है उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर ली है. आणि काही लोकांनी 30 वर्ष, 40 वर्ष आणि 2 वर्ष त्यांनी जे ये आपली जी यात्रा त्यांनी सुरुवात केली आहे. Can you show the blessing of Abraham with you? क्या आप अपने अपने में उस अब्राहम की आशीष को दिखा सकते हैं? काय तुम्ही तुमच्या मध्ये ते अब्राहमचा आशीर्वाद दाखवू शकता काय? But sad to say, so many God's people unable to reveal the Abraham's blessing with them. ये बहुत दुखी बात है कि आज परमेश्वर के जनों में बहुत से लोग अब्राहम की आशीषों को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं. आज खूब दुखाची गोष्ट आहे की खूप लोक अब्राहमचे आशीर्वाद ते दाखवू शकत नाही. दे आर गो अँड दे वांट टू show the hand towards human being to receive blessings. वे लोग अब आशीषों को पाने के लिए मनुष्य के सामने अपने हाथ फैलाते हैं. ते आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी मनुष्य समोर ते आपले हाथ पसारतात. Dear ones, God called you to bless you. प्रिय लोगों, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है. प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो प्रभु तुम्हाला आशीर्वाद करण्यासाठी बोलावले आहे. There is no need of help of any human being for you. आपके लिए किसी मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है. आणि तुम्हाला कुठल्या मनुष्याची ती मदत तुम्हाला नाही. गॉड वांट टू ब्लेस यू अँड गॉड वांट टू मेक यू ग्रेट. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, आपको महान बनाना चाहता है. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करू इच्छितो आणि तुम्हाला महान व्यक्ती बनवू इच्छितो. बट एव्हरी सर्कमस्टान्सेस, एव्हरी सिच्युएशन यू शुड हैव दिस नॉलेज इन युअर माइंड. लेकिन हर एक परिस्थिती में, हर पल आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए. हर एक परिस्थिती मध्ये आपल्या मध्ये हे अशी बुद्धी असली पाहिजे. समडे यू मे गेम दिस मीटिंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग. हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ आशीषों को पाने की आश में आए होंगे. आणि तुम्ही इथे काहीतरी आशीर्वाद प्राप्त करण्याच्या त्या इच्छेनुसार आला असाल. Truly God is going to fill you with all kinds of blessings. निश्चित रूप से परमेश्वर आपको सभी प्रकार के आशीषों से आशीषित करेगा. निश्चित रूपाने परमेश्वर तुम्हाला सगळ्या गोष्टीपासून आशीर्वाद करेल. बट रिमेंबरिंग युअर कॉलिंग यू मस्ट लिव. लेकिन अपने उस बुलाहट को याद करते हुए आपको अपना जीवन बिताना चाहिए. आणि तुम्ही त्या पाचारणाला आठवण करून आपलं जीवन तुम्ही जगलं पाहिजे. See how we can obtain the blessings. कैसे देखिए कैसे आप उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं. आणि कशा प्रकारे तुम्ही ते आशीर्वाद प्राप्त करू शकता. First Peter third chapter 9 verse. जब हम पहला पत्रस तीसरा अध्याय के नववचन को पढ़ते हैं. पहला पत्र तीसरा अध्याय त्याच्या नवव्या वचनामध्ये वाचतो. Not rendering evil for evil. बुराई के लिए बुराई न करते हुए. आणि वाईटासाठी वाईट करू नका. रेलिंग फॉर रेलिंग. और गाली के बदले गाली न देते हुए. आणि शिवी दिला असता तुम्ही शिवीगाळ करू नका. बट कॉन्ट्रावाइज ब्लेसिंग. और इसके विपरीत आशीष ही दो. आणि याच्या विपरीत तुम्ही त्यांना आशीर्वाद द्या. हालेलुया. हाउ मेनी ऑफ वी आर फॉलोइंग दिस. हमें से कितने लोग इस बात का पालन करते हैं. आपल्या मधून किती लोक या गोष्टीचं ते पालन करतात. When people cursing, are you blessing? क्या जब लोग हमें गाली आशीष श्राप देते हैं क्या हम उन्हें आशीष करते हैं. काही लोक आपल्याला श्राप देतात आपण त्यांना आशीर्वाद देतो काय. When people doing evil, are you doing good to them? जब आप लोग हमारे विरुद्ध बुराई करते हैं तो क्या आप उनके लिए भलाई करते हैं. काही लोक तुमच्या विरुद्धामध्ये वाईट करतात तुम्ही त्यांच्यासाठी चांगले काम करता काय. ओनली सच पीपल रेज युअर हँड अँड शाउट हालेलुया. सिर्फ ऐसे लोग ही अपने हाथों को उठाकर एक हालेलुया बोलिए. आणि असे जे लोक आहेत त्यांनी आपला हात वर करून आपले हालेलुया म्हणा. हियर प्रॉपरली. पहले ध्यान से सुन लीजिए. पहले लक्ष्यपूर्व ऐका.
Not rendering evil for evil. बुराई के बदले बुराई मत करो. White बदल white करो ना का. Railing for railing. ना और ना गाली के बदले गाली दो. ना शिविगा शिवी बदलते ना शिविगाल करा. But contrarywise blessing. But इसके विपरीत आशीष दो. अने अच्छा विपरीत मध्य विपरीत तुम्ही त्याला आशीर्वाद करा. How many of you are doing and keep and you make uses to in make uses to receive blessing? आप में से कितने लोग इस प्रकार करते हुए अपने आप को आशीष का वारिस बनाते हैं? और कितने लोग अशा प्रकार करता ना ते आपला आशीर्वादाचा वारस बनता? शाउट हालेलुया. ऐसे लोग एक हालेलुया बोले. अशा लोकांनी हालेलुया मना. व्हाट वी आर डूइंग. ये लोग क्या करते हैं? आणि ते लोग काय करतात? नाउडेज व्हाट वी आर डूइंग. इन दिनों में हम क्या करते हैं? या दिवसांमध्ये आपण काय करत आहे? दिस थ्रू वी आर कॉल्ड बाय गॉड. ये सच है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं. हे खरं आहे की परमेश्वराद्वारे आपलं पाचारण झालं आहे. इट जस्ट ट्रू वी आर पेंटेकोस्ट पीपल. ये सच है कि हम पेंटेकोस्ट के लोग हैं. खरं आहे की आपण पेंटेकोस्टचे लोक आहे. बट डिड एनीबॉडी डू इविल व्हाट यू आर डूइंग. लेकिन जब कोई हमारे लिए बुरा करता है तब हम क्या करते हैं? जेव्हा आपल्या विरोधामध्ये दुसरं काही काम करतो आपण काय करतो? When people are railing, cursing us, what we are doing? जब लोग हमें गाली देते हैं तब हम क्या करते हैं? जब आपले लोक शिविगाळ करतात तेव्हा आपण त्यांना काय करतो? Are you praising God? क्या आप उस समय में प्रभु की स्तुति करते हैं? क्या वेस तुम्ही परमेश्वराचा स्तुति धन्यवाद करता काय? Are you blessing them? क्या आप उनको आशीर्वाद देते हैं? काय तुम्ही त्यांना आशीर्वाद करता काय? Dear one, प्रिय लोकांनो, if you are not live according this, you cannot get receive Abraham's blessings. यदि आप इस वचन के मुताबिक जीवन नहीं बिताते हैं तो आप अब्राहम की आशीषों को नहीं पा सकते. या वचनानुसार तुम्ही जर जीवन जगत नसाल तर अब्राहमचे आशीर्वाद तुम्ही प्राप्त करू शकत नाही. It is there, but we are not preparing ourselves to make receive Abraham's blessings. अब्राहम की आशीषें उपस्थित हैं लेकिन उन आशीषों को पाने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं. आणि ते अब्राहमचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपल्या जीवनाला आपण स्वतःची तयारी करत नाही. You should allow people to do evil for you. आपको अपने परमे लोगों को आपके विरुद्ध बुराई करने के लिए अनुमति देना चाहिए. आणि तुम्ही लोकांच्या विरोधामध्ये ते वाईट करण्यासाठी अनुमति दिली पाहिजे. Why? क्यों? का? When you are blessing such people, God will bless you with Abraham's blessings. जब आप ऐसे लोगों को आशीष देंगे तो परमेश्वर आपको अब्राहम की आशीषों से आशीषित करेगा. तेव्हा अशा लोकांना जेव्हा तुम्ही आशीर्वाद कराल तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला अब्राहमचे आशीर्वाद देईल. Now nobody should not sleep. अभी कोई भी सोना नहीं चाहिए. आणि आता कोणी झोपू नका. Don't put your head down. आपने अपने सिरों को मत झुकाइए. आणि आपले डोके खाली करू नका. आई वॉन्ट टू सी द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम इन यू. मैं आपके जीवन में अब्राहम की आशीषों को देखना चाहता हूँ. मैं तुमच्या जीवनामध्ये अब्राहमचे आशीर्वाद पाहू इच्छितो. समटाइम्स सम पीपल आर नॉट विलिंग टू रिसीव ब्लेसिंग. कई बार कई लोग आशीषों को पाना चाहते नहीं है. आणि खूप लोक खूप वेळे ते आशीर्वाद प्राप्त करू इच्छित नाही. दे ऑलवेज लव कर्स ओनली. वे लोग आक्षरिक आशीषों में ही तृप्त रहते हैं. फक्त ते आक्षरिक त्या आशीर्वादामध्ये ते ग्रस्त असतात. नो नो दे आर ओनली लव द कर्स. वे लोग सिर्फ श्राप को प्राप्त करने में प्रिय है. वे लोग सिर्फ श्राप पाना चाहते हैं. ते फक्त श्राप आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी ते इच्छा करतात. इन द खंड 9 साम वजन 109 में आणि सोत्र संहिता 109 अबाउट द सेंट ऑफ गॉड इट इज मेंशन. एक संत के बारे में वहां कहा गया है. आणि तेथे एका संताबद्दल असं सांगितलं आहे. ही वॉज वन अमंग द डिसेबल. वो उन चेलों में से एक था. आणि तो एक शिष्य मधून होता. नेवर ब्लेस्ड आदेश अँड नेवर लाइक ब्लेसिंग. और उसने ना तो कभी आशीषों को चाहा ना ही उसने कभी दूसरों को आशीष दी. आणि कधी त्याने आशीर्वादाची इच्छा केली नाही आणि दुसऱ्यांना देखील त्याने आशीर्वाद केले नाही. 109:17 109:17 त्याचा 17 वचन. शाप देण्याची त्याला आवड असे म्हणून तो शाप त्यालाच लागो. आशीर्वाद देण्याची त्याला आवड नसे म्हणून आशीर्वाद द्याला तो मुको. वह शाप देने में प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा. वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था सो आशीर्वाद उससे दूर रहा. As he loved cursing, so let it come unto him. As he delighted not in blessing, so let it be far from him. See,
About one man of God it is mentioned. देखिए यहाँ पे एक परमेश्वर के जन के बारे में कहा गया है. इथे आपण बघतो वचनामध्ये परमेश्वराच्या जनाबद्दल इथे आपण लिहिले आहे. He always loving to curse others. वो सदा दूसरों को श्राप देने में प्रीति रखता था. आणि सदा तो श्राप देण्यामध्ये तो असा लागलेला होता. Why he cursed others? उसने क्यों दूसरों को श्राप दिया? त्याने का दुसऱ्यांना श्राप दिला? Because they did evil to them. क्योंकि उन्होंने उसके विरुद्ध बुराई की. कारण की त्यांनी त्यांच्या विरोधामध्ये विरोध असे काम केले. डियर वन्स, हॅपली एव्हरी चाइल्ड ऑफ गॉड अलाउ अदर्स टू कर्स यू. हरेक प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप ऐसे हरेक दूसरों को आप पर श्राप देने के लिए अनुमति दीजिए. आणि प्रिय परमेश्वराच्या लोकांना दुसऱ्यांना तुम्हाला श्राप देण्याला तुम्ही त्याला परवानगी द्या. देन ओनली यू कॅन रिसीव द अब्राहम्स ब्लेसिंग from God. तभी आप परमेश्वर से अब्राहम के आशीषों को पा सकते हैं. तेव्हा आपण परमेश्वराकडून अब्राहमचा आशीर्वाद आपण प्राप्त करू शकतो. God called you and separated you to inherit Abraham's blessing. परमेश्वर ने आपको अब्राहम के आशीष के वारिस बनने के लिए अलग किया है. परमेश्वर ने तुम्हाला अब्राहमचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला वारस होण्यासाठी वेगळे केले आहे. But you should pass that test. आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है. आणि त्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला पास व्हायचं आहे. अब्राहम रिसीव्ड ब्लेसिंग. अब्राहम ने आशीषों को पाया. अब्राहमने आशीर्वाद प्राप्त केले. हाउ? कैसे? आणि कसे? ही पास दैट टेस्ट विच गॉड पुट हिम. उसके सामने परमेश्वर ने जो परीक्षा रखी उसे उसमें वो उत्तीर्ण हो गया. आणि परमेश्वर त्या समोर जी परीक्षा ठेवली होती त्या परीक्षेमध्ये तो उत्तीर्ण झाला. फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड सेड go the place where I am going to show leaving your house and house people. सबसे पहले परमेश्वर ने उसे कहा तुम अपने लोग और अपने पिता के घर को छोड़कर जो स्थान मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ जाओ. परमेश्वर ने त्याला सर्वप्रथम म्हटले की तुझे जाती आणि त्या लोकांना आणि त्या गावाला सोडून त्या दुसऱ्या देशामध्ये तू जा. Leaving all the things he started. अपनी सारी वस्तुओं को त्याग कर उसने अपनी यात्रा आरंभ की. आणि त्याने सगळ्या गोष्टी त्याग करून त्याने अपनी यात्रेची सुरुवात केली. Then he separated from Lot. उसके बाद वो लूत से अलग हो गया. आणि नंतर तो लूत पासून तो वेगळा झाला. Lot chose the good things but to remove the fighting he chose what Lot left. और झगड़े का अंत करने के लिए लूत ने जिस बात को छोड़ा जिस स्थान को छोड़ा उसे अब्राहम ने चुना. आणि भांडण्यासाठी त्याने लूत ने जे सोडलं ते अब्राहमाने ते निवडलं. देन गॉड सेड रिमूव इस्माएल. उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इश्माइल को अपने से दूर करो. आणि परमेश्वर म्हटले की इश्माइलला तू आता दूर कर. इट वॉज सो ग्रीवियस बिकॉज ऑफ द सन बिकॉज ऑफ द लेबर बट ही ओबे गॉड. लेकिन अपने पुत्र को अपने से दूर करना उसके लिए दुख की बात थी लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी. आणि त्याने पुत्राला ते दूर करणे हे त्याला दुख की गोष्ट होती पण परमेश्वराची त्याने आज्ञा मान्य केली. फाइनली हार्ड टेस्ट केम. ही वांट टू ऑफर हिज ओन सन इसहाक अंडर द ऑल्टर. अंत में एक कठिन परीक्षा उसके सामने ये आई कि उसे उसके इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा गया. आणि शेवटी अंतिम त्याला अशी परीक्षा आली की त्याचा जे पुत्र होता इसहाक त्याला मारण्यासाठी परमेश्वराने परीक्षा बघितली. वी आर सेइंग गॉड ब्लेस्ड अब्राहम. इट इज नॉट इजीली अब्राहम रिसीव्ड द ब्लेसिंग. हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी लेकिन परमेश्वर अब्राहम ने उन आशीषों को आसानी से नहीं पाया. आणि आपण परमेश्वर त्याला आशीर्वाद दिले आणि आपण बघतो की परमेश्वर त्याला आशीर्वाद दिले सहज असे दिले नाही. ही गिव द प्राइस अँड रिसीव द ब्लेसिंग. उसने मूल्य चुका कर उन आशीषों को पाया. आणि ते मूल्य चुकून त्याने ते आशीर्वाद त्याने प्राप्त केले. इन जेनेसिस 22 चॅप्टर 16 and 17. उत्पत्ति 22 अध्याय के 16 और 17 वचन में हम पढ़ते हैं. 16 to 18. 16 to 18 तक का वचन. उत्पत्ति 22 अध्याय 16 वचनापासून 18 वचनापर्यंत आपण वाचूया. परमेश्वर म्हणतो मी स्वतःची शपथ घेऊन सांगतो की तू हे कृत्य केले आपल्या मुलास आपल्या एकुलत्या एका मुलास माझ्यापासून राखून ठेवले नाही यास्तव मी तुला आशीर्वादित करीन व वृद्धीच वृद्धी करून तुझी संतती आकाशातील तारे इतकी समुद्र तिरीच्या वाळू इतकी होईल असे करीन. तुझी संतती आपल्या शत्रूची नगरे हस्तगत करील. तू माझा शब्द ऐकला म्हणून पृथ्वीवरचे सर्व राष्ट्रे तुझ्या संततीच्या द्वारे आशीर्वादित होतील. यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल के
बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है. डियर वंस, नॉट बाय इजीली मेथड अब्राहम नॉट रिसीव्ड द ब्लेसिंग. प्रिय लोगों, अब्राहम ने आसान तरीके से आशीषों को नहीं पाया. प्रिय परमेश्वर लोकान अब्राहम ने आशीर्वाद सहजपने से प्राप्त के लिए नहीं. रीड 22 चैप्टर फर्स्ट वर्स. 22 अध्याय का पहला वचन पढ़े आणि 22 अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण बघूया. या गोष्टी घडल्यावर असे झाले की देवाने अब्राहमास कसोटीस लावले. त्याने अब्राहम इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ की परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. See, God is tempting, they are giving an exam. यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर इब्राहिम को की परीक्षा ले रहा है. आणि देवाने अब्राहमाची परीक्षा ने कसोटीस लावले. Time by time, God will give an exam, so you want to pass it. समय पर परमेश्वर हम आपके जीवन में परीक्षाएं देगा लेकिन आपको उसमें जय पाना है. आणि वेळोवेळी समय समय परमेश्वर तुम्हाला परीक्षा देईल त्याच्यावर तुम्हाला त्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण व्हायचं आहे. यू आर कॉल्ड फॉर सायन. आप सियोन के लिए बुलाए गए हैं. आणि तुम्ही सियोनासाठी बोलावलेले आहे. सम आर कॉल्ड फॉर जेरुसलेम. कुछ लोग यरुशलेम के लिए बुलाए गए हैं. आणि काही लोकांचं पाचारण यरुशलेम साठी झालं आहे. इफ यू आर कॉल्ड फॉर सायन. यदि आप सियोन के लिए बुलाए गए हैं. जर तुम्ही सियोनासाठी तुमचं पाचारण झालं आहे. यू विल फेस मोर इविल. आप बहुत अधिक बुराईयों का सामना करेंगे. आणि तुम्ही खूप वाईटाचा तुम्हाला सामना करावा लागेल. इफ यू आर कॉल्ड फॉर जेरुसलेम. यदि आप यरुशलेम के लिए बुलाए गए हैं. जर तुम्ही यरुशलेम साठी तुमचं पाचारण झालं आहे. यू मस्ट ओवरकम द इविल. आपको बुराई पर जय पाना ही है. तुम्हाला वाईटावर जय प्राप्त करायचाच आहे. In Jeremiah 51 chapter, 24th verse. Jeremiah 51 में अध्याय क्या 24वें वचन में. Jeremiah 51:24. आणि इर्मया 51 ते 24वं वचन. बाबेल व खासदी देशाचे सर्व रहिवासी यांनी तुमच्या देखत जो सर्व अनर्थ सियोनात केला आहे त्याचे मी उसने फेडीन असे परमेश्वर म्हणतो. मैं बाबुल को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है. यहोवा की यही वाणी है. एंड आई विल रेंडर अनटू बेबिलोन एंड टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैल्डिया ऑल द इविल दैट दे हैव डन इन ज़ायन इन योर साइट से. आर यू ज़ायन? क्या आप सियोन हैं? जर तुम्हें सियोन आए का है. आर यू यरूशलेम? क्या आप यरूशलेम हैं? तुम्हें यरूशलेम आए का है? Then there are some people to do evil for you. तब ऐसा है तो आपके विरुद्ध बुराई करने के लिए कुछ लोग हैं. आणि असं असेल तर तुमच्या विरोधामध्ये काम करणारे काही लोक आहे. When they are doing evil, don't do evil to them. जब वे लोग आपके विरुद्ध बुराई करते हैं तो बदले में उन्हें बुराई मत कीजिए. जेव्हा ते लोक तुमच्यामध्ये वाईट करतात त्यांच्या विरोधामध्ये तुम्ही वाईट करू नका. You are saying you are called for Zion. आप कहते हैं कि आप सियोन के लिए बुलाए गए हैं. जर तुम्ही म्हणता मला सियोनासाठी पाचारण केलं आहे. God appointed some people to do evil in Zion. परमेश्वर ने सियोन के विरुद्ध बुराई करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया है. आणि सियोनाच्या विरोधामध्ये काय वाईट करण्यासाठी लोकांना निवडलं आहे. Oh dear ones, the Chaldeans for 70 years God hand over the Zion and Jerusalem in the hand of Chaldeans. प्रिय परमेश्वर के लोगो, परमेश्वर ने कसदियों के हाथ में सियोन और यरूशलेम को 70 साल तक सौंप दिया. आणि परमेश्वर आणि बाबेलो खाजी देशाच्या लोकांच्या यामध्ये त्यांनी उसने दिले. बिकॉज इन सायन एंड जेरुसलेम देर केम ए बॅकस्लाइडिंग. क्योंकि सियोन और यरूशलेम में एक पीछे हटने का भाव आया. आणि सियोन आणि यरूशलेम मध्ये मागे जाण्याचा अनुभव आला. वेन बॅकस्लाइडिंग कम्स गॉड विल अलाउ सम वर्ल्डली पीपल to do evil against you. जब हमारे अंदर पीछे हटने का अनुभव आता है तो परमेश्वर को संसारिक लोगों को नियुक्त करता है कि वे हमारे विरुद्ध बुराई करें. जब आपण मागे जाण्याचा अनुभव आपल्या मध्ये येतो तेव्हा परमेश्वर जगातील लोकांना आपल्या विरोधामध्ये उभे करतो. Then you should not do evil to them. ऐसे में आपको उनके विरुद्ध बुराई नहीं करना चाहिए. आणि त्यावेळेस तुम्हाला त्यांच्या विरोधामध्ये काय वाईट करायचं नाही. Just bless them and do good to them. और सिर्फ उनको आशीष दो, आशीर्वाद दो और उनके प्रति भलाई करो. तुम्ही फक्त त्यांना आशीर्वाद द्या आणि त्यांच्यासाठी चांगलं काम करा. Looking the evil those who are doing against you, God will punish them and God will give you
blessing Abraham in the right time. और आपके विरुद्ध बुराई करने के कारण परमेश्वर ठीक समय पर उन्हें दंड देगा और परमेश्वर आपको अब्राहम के आशीषों का वारिस बनाएगा. तुमच्या विरोधामध्ये जे लोक विरोध करतात त्यांना परमेश्वर एक दिवस दंड देईल आणि परमेश्वर तुम्हाला अब्राहमचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी मदत करेल. When we going through the history, we can see the children of Israel backslided. That's why God hand over the 10 tribe into king of Assyria. हम जब इतिहास में देखते हैं हम पढ़ सकते हैं कि इसराइली लोगों के जीवन में जब पीछे हटने का अनुभव आया तो परमेश्वर ने उन दसों कुलों को आज आशूरी लोगों के हाथ में सौंप दिया. और अपन शास्त्र मध्य इतिहास मध्य बघतो जेव्हा इसराइल लोग जे मागे गेले तेव्हा परमेश्वर त्याला आशूरी लोकांच्या हाता मध्ये दिले. देन टू ट्राइब जूदा हैंड ओवर इन द कल्देन्स. और यहूदा को कस्तियों के हाथ में सौंप दिया. आणि यहूदी लोकांना त्या खासदी लोकांच्या हातामध्ये दिले. बोथ दिस नेशन डिड सो मेनी इविल इन सायन एंड जेरुसलेम. इन दोनों जातियों ने सियोन और यरूशलेम में बहुत सी बुराइयां की. आणि या दोन्ही जातीने मिळून या सियोना मध्ये खूप असे वाईट काम त्यांनी केले. बट देअर वॉज नो परमिशन फॉर द गॉड्स पीपल टू इविल टू देम दोस हु आर डूइंग इविल. लेकिन परमेश्वर के लोगों को उनके विरुद्ध बुराई करने वालों के विरुद्ध बुराई करने के लिए कोई अनुमति नहीं थी. आणि परमेश्वरच्या लोकांच्या विरोधामध्ये विरोध काम करण्यासाठी त्यांना असे काही वाईट नव्हते. इन आयसाया 10 चॅप्टर वी कॅन सी the 10 tribes is handed over to the king Assyria. Isaiah 10th adhyay mein hum dekh sakte hain ki 10 kulon ko ya 10 gotron ko ashuriyon ke haath mein saund diya gaya. Ani Isaiah cha pustaka madhe apan bakto ki 10 je gotra hote tyana ashuri lokancha haata madhe tyanni takle. 10th 10th adhyay ka 12va vachan ani 10va adhyay tacha 12va vachan yastav prabhu ne sion dongar yerushalem ya sambandhane aaple samagra कार्य समाप्त केल्यावर असे होईल की अशूरचा राजा यांच्या मनातील गर्वाचा परिणाम व त्याच्या उन्मत्त दृष्टीचा दिमाग यांचा बदला मी घेईन. इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा तब मैं अशूर के राजा के गर्व के बातों का और उसके घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा. Wherefore it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. Now God is hand over the Zion and Jerusalem in the hand of king Assyria. Yeah, abhi hum dekhte hain Sion aur Jerusalem ko Parmeshwar ne Ashur ke rajon ke haath mein saunp diya. Apan ya vachna madhe bakto ki Sion aur Jerusalem la Ashur rajya cha haath madhe Parmeshwar dile apan bakto. To do some work. कुछ काम करने के लिए आणि काय कार्य करण्यासाठी. इन साम 102 वी कॅन सी इन 16th वर्स व्हेन गॉड विल बिल्ड अप सायन अँड ही विल कम इन टू द ग्लोरी. हम वचन 102 के 16वें वचन में देखते हैं कि यहोवा जब सियोन को फिर बसाएगा वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देगा या प्रकट होगा. सूत्र संहिता 102 त्याच्या 16 मध्ये असे लिहिले की प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा सियोनचे काम पूर्ण करून तो आपल्या गौरवामध्ये प्रकट होईल. व्हाट इज मेंशनड हियर. यहां पर क्या कहा गया है. व्हेन द लॉर्ड हैथ परफॉर्मड हिज होल वर्क अपॉन माउंट सायन एंड ऑन जेरुसलेम. जिस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा जेवा परमेश्वर सियोन डोंगरावर तेवा सगळे काम ते समाप्त करेल. आई विल पनिश हिज फ्रूट ऑफ द स्टाउट हार्ट ऑफ द किंग ऑफ असिरिया. तब मैं अशुर के राजा के गर्व की बातों का पलटा लूंगा. आणि अशुरच्या राजाचा गर्वाचा मी तेवा ते बदला घेईल. गॉड यूज्ड डू सम वर्क इन लिटरल साइन एंड जेरुसलेम through king Assyria. परमेश्वर ने अक्षरिक सियोन और यरूशलेम के विरुद्ध अशूर के राजा के द्वारा काम कराया आणि बुराई कराया. आणि परमेश्वराने आपण साक्षात बघितलं असता सियोन आणि यरूशलेम ज्यांच्या विरोधामध्ये अशूरी राजाच्या विरुद्ध त्यांनी असे त्यांच्या विरोधामध्ये काम केले. व्हाट आर द काम गॉड एंट्रस्टेड टू डू इन सायन टू As king Assyria. अशुर के राजा को सियोन और यरूशलेम में करने के लिए परमेश्वर ने कौन कौन से काम नियुक्त किए. आणि अशुर राजाला ते काम करण्यासाठी परमेश्वर ने त्याला कुठले कुठले असे कार्य दिले. यू कॅन रीड 10 चॅप्टर 5-7. आप यशया के 10वें अध्याय के 5-7 के वचन पढ़ सकते हैं. आणि यशयाचे पुस्तक 10वा अध्याय त्याच्या 5व्या वचनापासून 7व्या वचनापर्यंत आपण बघू शकतो. जो माझ्या क्रोधाची काठी आहे ज्याच्या हातातील सोटा माझा कहर आहे त्या अशुरास धिक्कार असो. मी त्यास अधर्मी राष्ट्रांवर पाठवीन. माझ्या क्रोधास पात्र झालेल्या लोकांची लूट हरण करावी. त्यांनी लुबाडलेल्या मत्तेचा अपहार करावा व त्यास रस्त्यावरील चिखलाप्रमाणे तुडवावे अशी त्यांच्या संबंधाने त्यास आज्ञा करीन.
तथापि त्यांचा विचार काही असा नाही, त्याच्या मनाचा समज असा नाही, कारण केवळ नासधूस करावी, बहुत राष्ट्रांची कत्तल करावी हेच त्यांच्या मनात आहे. Now God used the king Assyria to do three works in Zion and Jerusalem. अभी परमेश्वर ने अशुर के राजा को सियोन और यरूशलेम में तीन काम करने के लिए नियुक्त किया. आणि परमेश्वर आणि सियोन और यरूशलेम यांच्या विरोधामध्ये काम करण्यासाठी अशुरी राजाला तीन काम असे सांगितले. When God's son, नेदर इस्राएल, he was the firstborn, did evil in the sight of father God. जब पिता परमेश्वर के विरुद्ध उसके पहलोटे इस्राएल ने बुराई की. आणि पिता परमेश्वराच्या विरोधामध्ये जे प्रथम जे इस्रायल लोकांनी जे वाईट काम केले. बिकॉज ऑफ द लव ही टूक अ रॉड टू करेक्ट सन इस्रायल. उसके क्रोध के प्रेम के कारण अपने पुत्र इस्रायल को सुधारने के लिए उसने अपने हाथ में लठ या लछाड़ी लिया. आणि त्याच्या प्रेमाच्या कारणाने त्याला शिक्षा देण्यासाठी त्याने आपल्या हातामध्ये ती काठी घेतली. दैट रॉड इज द किंग असिरिया. और वही लाठी उसके हाथ में राजा या अशुर का राजा था. आणि त्याच काठीमध्ये अशुरचा राजा असा होता. God gave order to do three things. परमेश्वर ने उसे तीन काम करने के लिए आज्ञा दिया. परमेश्वर ने त्याला तीन काम करण्यासाठी त्यांना आज्ञा दिली. In sixth verse, last verse, to spoil and to take the prey and to tread them down like the mire of the street. छठवें अध्याय के अंत छठवें वचन के अंतिम भाग में पढ़ते हैं कि वे उनको छीनछान करें, उन्हें लूट लें और सड़कों में खींच के समान लताड़े. आणि सहाव्या वचनाच्या शेवटच्या वचनामध्ये असे लिहिले, लुबाडलेल्याचा मध्येचा अपार करावा, त्याच रस्त्याच्या चिखलाप्रमाणे तुडवावे. बट बिकॉज ऑफ द प्राइड किंग असिरिया थॉट नॉट ओनली डू दिस आय विल डिस्ट्रॉय होल द पीपल ऑफ द लँड. उसके घमंड के कारण अशुर के राजा ने सोचा इतना ही नहीं बल्कि मैं उस देश के सारे लोगों को नाश कर दूंगा. आणि त्याच्या घमंडाने त्याला परमेश्वर एवढेच नव्हे तर सांगितले की सगळ्या त्यांच्या राज्यातील सगळ्या लोकांना नाश करेल. दॅट बिकेम अ सिन फॉर देम. और वो उसके लिए एक पाप बन गया. आणि ते त्यासाठी एक पाप म्हणून गणलं गेलं. व्हाट वॉज देअर ड्युटी. और उनका कर्तव्य क्या था. आणि त्यांचं कर्तव्य कार्य काय होतं. स्पॉइल देम. उनको 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 नाश करना. टेक अ स्प्रे. और उनको बंधुआ कर बना लेना. आणि त्यांना बंधवाई करून घेऊन जाणे. ट्रेड देम डाउन लाइक द मायर ऑफ द स्ट्रीट. और सड़कों की कीच के समान उनको लताड़े. आणि रस्त्यातील चिक्राप्रमाणे त्यांना तुडवावे. ब्रेक द ऑल द प्राइड ऑफ इस्रायल बाय दिस किंग असिरिया. और अशुर के राजा के द्वारा इस्राएल के सारे घमंड को तोड़ना चाहा. इस्राएलच्या राजा राजाने अजा प्रमाणे परमेश्वर ने इस्राएल लोकांचा ते घमंड ते तोडला. लाइक वाज इन अवर लाइफ ऑल्सो वेन वी आर नॉट हम्बल अवेसर्स by the reading the word of God and knowing the will of God. जब हम इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उसकी मर्जी को जानते हुए भी अपने आप को जब नम्र नहीं करते हैं. जब अपन परमेश्वर के वचन वाचत असताना ऐकत असताना आपल्या परमेश्वरला आपण स्वतः समर्पण करत नाही. God will allow somebody to do evil to against you and me. और उस समय में परमेश्वर मेरे और आपके विरुद्ध में बुराई करने के लिए किसी न किसी को प्रभु अनुमति देगा. आणि तेव्हा परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्या विरोधामध्ये काम करण्यासाठी काही लोकांना परमेश्वर परवानगी देईल. इन दॅट टाइम यू विल शुड नॉट कर्स देम. और ऐसे समय में आपको उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए. आणि त्या वेळेमध्ये तुम्ही त्या लोकांना श्राप देऊ नये. About Jesus when we are studying. जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं. जेव्हा आपण यीशु ख्रिस्ताबद्दल अभ्यास करतो. See all the people how much evil did against Jesus. हम देखते हैं कि सभी लोगों ने यीशु के विरुद्ध कितनी अधिक बुराइयां की. आपण बघतो की यीशु ख्रिस्ताबद्दल किती लोकांनी त्याच्या विरोधामध्ये काम केले. But Jesus never did any evil to anybody. लेकिन यीशु ने कभी भी किसी के विरुद्ध कोई बुराई नहीं किया. आपण बघतो की यीशु ख्रिस्ताने कधी कोणाच्या विरोधामध्ये काम केले नाही. What the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है. परमेश्वरचे वचन काय सांगते. Doing good he go through all or around. और उसके चारों जितने थे उनके विरुद्ध उनके लिए उसने भलाई की. आणि चारही बाजू मध्ये त्याने सगळ्यांसाठी चांगलं असं कृत्य केलं. इवन वेन ही वॉज इन द क्रॉस ही डिड गुड टू द दॅट थीफ. जब वो क्रूस पर लटका हुआ था उस समय में भी उसने उस चोर के लिए भलाई किया. आणि वधस्तंभावर खेळत्या वेळी देखील त्याला त्यांनी चोरासाठी चांगले काम केले. That Judah, how much evil did to Jesus? यहूदा ने परमेश्वर के विरुद्ध कितना प्रभु यीशु के विरुद्ध कितनी बुराई की. आणि यहूदा ने प्रभु यीशु ख्रिस्ताच्या विरोधामध्ये किती असे वाईट काम केले. But Jesus never rebelled, they cursed him. लेकिन यीशु ने कभी भी उसे श्राप नहीं दिया. आणि यीशु ख्रिस्ताने कधी त्याला श्राप दिला नाही. Jesus humbled himself, blessed are those knowing the word of God.
परमेश्वर का वचन जानते हुए यीशु ने अपने आप को नम्र करते हुए दूसरों को आशीष दिया वचन ते बघत असताना प्रभु ने अपने स्वतः नम्र केले आणि दुसऱ्यांना त्याने आशीर्वाद केले That's how now Jesus name become great all over the world Jesus name is preached इसीलिए यीशु का नाम महान और श्रेष्ठ हो गया संसार में यीशु के संसार भर में यीशु के नाम का प्रचार होता है यीशु ख्रिस्ताचा नाव ते महान झाल्याने सगळ्या जगामध्ये आणि राष्ट्रामध्ये त्याचा नाव ते पसरलं The promise which is given to Abraham fulfilled through Jesus Christ now और अब्राहम को परमेश्वर ने जो आशीषों का वायदा किया उसे प्रभु के द्वारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में पूरा करता है through your seed son the seed whole world will be blessed तुम्हारा अब्राहम क्या क्योंकि हम अब्राहम के वंश हैं इसलिए उस पूरा संसार उसके द्वारा आशीष पाए मसीह में उसमें आशीष पाएगा अपन सगळे अब्राहमचे वंश आहे म्हणून अपन ख्रिस्ता द्वारा अपन त्याच्याकडून आशीर्वाद प्राप्त करू शकतो जीसस नेम बिकम ग्रेट यीशु का नाम श्रेष्ठ हो गया यीशु ख्रिस्ताचं नाव हे श्रेष्ठ असं झालं एंड ऑल्सो दोज हु आर प्रॅक्टिसिंग दिस They are going to great and they are becoming a joy for the whole world. और जो लोग इस बात में आनंदित होते हैं वो संसार के या पृथ्वी के हर्ष का कारण बनेंगे आणि जे लोक या आनंदामध्ये सहभागी होतात ते या जगातील हर्षाचा कारण होतील So examine whether are you practicing this or not. इसलिए अपने जीवन को जांच कर देखो क्या आप अपने जीवन में इस बात का अभ्यास करते हैं या नहीं आपल्या जीवनाला परताळून बघा की आपण आपल्या जीवनामध्ये या गोष्टीचा आपण अभ्यास करत आहे काय Suddenly family people relatives co-workers otherwise anybody do any evil are you doing evil other are you keeping quiet जब आपके परिवार के जन आपके रिश्तेदारों में कोई या समाज को कोई आपके सहयोगी आपके विरुद्ध कोई बुराई करता है तो आप क्या तुरंत उनके विरुद्ध बुराई करते हैं या आप उस समय में चुप रहते हैं जब आपके कुटुंबामधून किंवा आपल्या समाजामधून आपल्या आपल्या विरुद्धामध्ये स्वतःच्या कोणी काम करत असेल तेव्हा तुम्ही गप्प राहता काय Some people are saying, Pastor, we are not cursing, but not blessing also. कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम उनको आशीष तो उनको श्राप तो नहीं देते लेकिन आशीष भी नहीं देते हैं आणि पास्टर जी आम्ही कधी त्यांना श्राप देत नाही पण आम्हाला आशीर्वाद पाहिजे श्राप वी आर नॉट कर्सिंग देम बट नॉट ब्लेस ऑल्सो हम उनको आशीष श्राप तो नहीं देते हैं लेकिन आशीष भी नहीं देते हैं आम्ही त्यांना श्राप देखील देत नाही आणि आशीर्वाद देखील देत नाही वी आर फेल्ड हम उसमें पराजित हो जाते हैं अपन त्याच्यामध्ये नापास होतो हालेलुया विथ अ जॉयफुल हार्ट विथ अ जॉयफुल हार्ट एक खुशी हृदय के साथ एक आनंद भरे हृदय के साथ एक आनंदी हृदयाने वी वांट टू ब्लेस देम हम उन्हें आशीष करना चाहिए अपन त्यांना आशीर्वाद केले पाहिजे व्हाई क्यों बिकॉज इन द अब्राहम्स ब्लेसिंग क्योंकि अब्राहम की आशीष में अब्राहमच्या आशीर्वादामध्ये व्हाट गॉड टोल्ड टू अब्राहम परमेश्वरने अब्राहमसे क्या कहा परमेश्वरने अब्राहमला काय म्हटले एनीबडी केस यू आई विल केस देम जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा जे तुला श्राप देतील मी त्यांना श्राप देईल थिंक आई एम कर्सिंग दिस ब्रदर मान लीजिए मैं इस भाई को श्राप दे रहा हूँ मानून घ्या की या भावाला मी श्राप देत आहे In this brother, Abraham's blessing is there. इस भाई में अब्राहम की आशीष है आणि या भावामध्ये अब्राहमचा आशीर्वाद आहे Because of my foolishness, if I curse this fellow, यदि मेरी मूर्खता के कारण इस व्यक्ति को यदि मैं श्राप देता हूँ माझ्या मूर्खतेनुसार या भावाला मी जर श्राप देत आहे What will happen? तब क्या होगा I am going to be a cursed one. मैं एक श्रापित व्यक्ति बन जाऊंगा आणि मी एक श्रापित व्यक्ति बनेल What the Abraham's blessing is saying? अब्राहम का आशीष क्या कहता है अब्राहमचा आशीर्वाद काय म्हणतो एनीबडी केस यू आई विल केस हिम जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा जे तुला श्राप देतील मी त्यांना श्राप देईल इफ इन मी देयर इज एन अब्राहम्स ब्लेसिंग यदि मुझ में एक अब्राहम की आशीष है माझ्या मध्ये जर अब्राहमचा आशीर्वाद आहे अनलेस एंड अंटिल अदर्स ब्लेस मी दे विल नॉट बी ब्लेस्ड जब तक दूसरे लोग मुझे आशीष नहीं देंगे वे स्वयं भी आशीष नहीं पाएंगे जेव्हापर्यंत दुसरे मला आशीर्वाद देत नाही तेव्हापर्यंत ते स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करू शकत नाही सो दॅट्स वाय वी ऑल एव्हरीवेअर समटाइम मिस्टेकिंगली सो मेनी शॉर्ट कमिंग कॅन हॅपन इन अवर फॅमिली लाईफ इन अवर स्पिरिच्युअल लाईफ डोंट ट्राय टू कर्स देम से सम थिंग्स बॅड थिंग
और यदि हो सकता है कि कई बार भूल चूक या गलती से हमारे जीवन में हमारे विरुद्ध कोई परिवार के जन या रिश्तेदार कोई कुछ गलती करता भी है तो कभी भी उनको श्राप मत दीजिए। भूल चुकून कभी अपने परिवार के कुटुंबा लोक जर अपने श्राप देता अपन विरुद्ध मे काम करू नये। प्रे जस्ट लाइक जीसस। जैसे यीशु ने प्रार्थना किया वैसे प्रार्थना कीजिए। जैसे येशु ख्रिस्ता ने प्रार्थना के लिए प्रकार अपन प्रार्थना के लिए पाहिजे। व्हाट ही इज डन इज मिस्टेकिंगली विदाउट नॉलेज गॉड फॉरगिव। हे प्रभु ये नहीं जानते इसने क्या किया अनजाने में ऐसा किया उसे क्षमा कर। हे प्रभु याला न कळत त्याने काय काय केले त्याला तू माफ कर। लॉर्ड दिस सिस्टर फॉरगिव देम। इस बहन को क्षमा करो। या बहनीला प्रभु तू क्षमा कर। एवरी टाइम वी वांट टू ब्लेस ईच अदर। और हर समय में आप एक दूसरे को आशीष देते रहिए। हर वेळे वर तुम्ही सगळ्यांना आशीर्वाद देतच रहा। देन वी कैन एन्जॉय द ऑल अब्राहम्स ब्लेसिंग्स एंड वी कैन शो द वर्ल्ड ए गॉड हू ब्लेसेस। और उस समय में हम अब्राहम की सारी आशीषों का आनंद उठाते हुए संसार को हम उस परमेश्वर को प्रकट कर पाएंगे जिसने हमें आशीषित किया है। आणि त्या अब्राहमचा आशीर्वाद घेत असताना आपण लोकांना दाखवले पाहिजे आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद आपण प्राप्त केला पाहिजे। यू मे बी नॉट वेल एज्युकेटेड मैन। हो सकता है कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे। आणि होऊ शकते तुम्ही चांगले शिकलेले व्यक्ति नसाल। यू मे बी अ पुअर मैन। आप एक गरीब व्यक्ति हो सकते हैं। तुम्ही एक गरीब व्यक्ति असू शकता। बट थ्रू यू सो मेनी पीपल विल बी ब्लेस्ड। लेकिन आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। परंतु तुमच्या द्वारे खूप लोक आशीर्वादित होतील। बट फॉर दैट यू वांट टू ऑलवेज ब्लेस दोस हू आर क्लोज टू यू। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि उन लोगों को जो सदा आपको श्राप देते हैं उनको आशीष देते रहना चाहिए। तुम्हाला त्यांच्या विरोधामध्ये काय करायचे ते तुम्हाला श्राप देता तुम्ही त्याला नेहमी त्याला आशीर्वाद देत रहा। और दोस हू आर डूइंग ईविल यू डू गुड। और जो लोग आपके विरुद्ध बुराई करते हैं बुरा करते हैं उनको आप भलाई उनके विरुद्ध भलाई कीजिए। और जे तुमच्या विरोधामध्ये वाईट काम करता त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही नेहमी चांगले काम करत रहा। सम पीपल नॉट ओनली सम पीपल इवन दो दे रिसीव गुड they are doing bad to others। यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं यद्यपि वे लोग भलाई का अनुभव करते हैं फिर भी वे दूसरों के विरुद्ध बुरा ही करते हैं। आणि काही लोक आपल्या जीवनामध्ये चांगला अनुभव करतात पण ते नेहमी दुसऱ्याच्या विरोधामध्ये काम करत असतात। Proverbs 17 chapter 13 verse नीतिवचन 17 अध्याय का 13वा वचन। नीति सूत्र 17वा अध्याय त्याचा 13 वचन। जो बऱ्याची फेड वाईटाने करीतो त्याच्या घरातून अरिष्ट जाणार नाही। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Dear ones, any time, anywhere, any good things you received about anybody, क्या? Don't do any evil to them. यदि आपने प्रिय लोगों यदि आपने अपने जीवन में कभी भी किसी से कोई भलाई प्राप्त की है तो कभी भी उनके विरुद्ध कोई बुराई मत कीजिए। आणि परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना कधी तुम्ही कोणाच्या द्वारे जर चांगली गोष्ट प्राप्त केली असेल त्यांच्या विरोधामध्ये कधी वाईट काम करू नका। सम टाइम सम पीपल आर नॉट डूइंग गुड टू यू डूइंग इविल बट थिंक अबाउट सम फ्रॉम समवेयर यू आर रिसीव्ड गुड ऑल्सो। ये आप हो सकता है कि कुछ लोग आपके विरुद्ध बुराई करते होंगे याद कीजिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपके जीवन में कभी ना कभी कोई भलाई जरूर की है। हो सकते तुमच्या जीवनाच्या विरोधामध्ये कोणी काही काम केलं असेल वाईट आणि त्याने कधीतरी तुमच्या जीवनामध्ये त्याने चांगले कृत्य जर केले असेल। बिकॉज रिमेंबरिंग दॅट गुड थिंग फ्रॉम दॅट पर्सन Forgive all the evil of others. और उस व्यक्ति के द्वारा पाए हुए उस भलाई को याद करते हुए दूसरों की सारी बुराइयों को आप भूल जाइए। आणि त्या व्यक्ति द्वारे मिळालेले चांगुलपणासाठी आपण दुसऱ्या व्यक्तीचे जे वाईट आपण विसरले पाहिजे। When we study about the life of David, जब हम दाऊद के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जेव्हा आपण दाविदाच्या जीवनाबद्दल मनन करतो, God called him and separated and anointed as for us the king. और परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया अलग किया और एक राजा के रूप में अभिषेक किया। परमेश्वर ने त्याला बोलवले वेगळे केले राजाच्या याच्यामध्ये त्याला अभिषेक केला। विदाउट डूइंग एनी ईविल नाउ पीपल आर डूइंग ईविल टू हिम। बिना किसी उसके कोई बुराई न करने के बावजूद भी लोग उसके विरुद्ध बुराई कर रहे हैं। आणि कोणी वाईट न करता लोक त्याच्या विरोधामध्ये काम करत आहे। एस्पेशली फ्रॉम सॉल विशेष रूप से शाऊल की ओर से। आणि शाऊल याच्या रूपाने त्याला ते सत्वत आहे। पीपल सांग ए स्मॉल सॉन्ग गिविंग ग्लोरी टू डेव्हिड नाउ ही विल केम इन द माइंड ऑफ सॉल। लोगों ने एक छोटा सा पद्य दाऊद के प्रशंसा में गाया उसके कारण शाऊल के मन में दाऊद के विरुद्ध बुराई उत्पन्न हुई। आणि लोकांनी दाऊदाच्या प्रशंसेबद्दल काही गीत म्हटले म्हणून शाऊलाला त्याच्याबद्दल राग असा उत्पन्न झाला। बट सी डेव्हिड even though Saul is after him
with 3,000 people to do evil. David is remembering the good things which he received by Jonathan. He is remembering and not doing any harm to Saul. अभी उसके बाद हम देखते हैं शाऊल दाऊद के विरुद्ध 3,000 लोगों के साथ पड़ गया, लेकिन दाऊद ने उसके विरुद्ध कोई बुराई नहीं की, उसने सिर्फ जोनाथन के द्वारा उसके जीवन में की हुई भलाई को याद किया। शाऊल 3,000 लोगों को घेऊन त्या दाऊद राजाच्या मागे लागला, पण दाऊद राजाने योनाथानचे जे चांगले कृत्य त्याने आठवण केली। See, by in the same one house, one after his life, but one is preserving him. आप देख सकते हैं कि एक ही घर में एक जन उसके जान के पीछे पड़ा है तो दूसरा जन उसकी जान की रक्षा करता है। एक घर मध्य अपन भक्तों के एक जन त्याच्या मागे लागलेला आहे जीवासाठी आणि एक जन त्याच्या जीवाचं रक्षण करत आहे। डियर वन्स, सो मेनी प्रॉब्लम केम अगेंस्ट मी एंड यू, बट आवर गॉड प्रिझर्व्ड मी एंड यू। लेकिन प्रिय लोगों, हमारे विरुद्ध कई प्रकार की बुराइयां आई, बुरे लोग आए, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों से हमारी रक्षा की। प्रिय परमेश्वर लोगों अपने जीवन विरुद्ध मध्य वाइट अशा गोष्टी आले असेल, परमेश्वर ने अपने सगळ्यांना संरक्षण असे केले आहे। कैन यू फॉरगिव ऑल द इविल व्हिच इज डन बाय अदर्स अगेंस्ट यू एंड ब्लेस देम? क्या आपके विरुद्ध लोगों के द्वारा की हुई सारी बुराइयों को भूलकर उनको आशीष कर सकते हैं? काय तुम्ही लोकांनी तुमच्या विरुद्धामध्ये वाईट काम केले ते विसरू तुम्ही त्यांना आशीर्वाद करू शकता काय? समडे यू मे नीड सो मेनी ब्लेसिंग्स, डोंट प्रे फॉर दॅट, यू जस्ट ब्लेस दोज हू आर डूइंग इविल टू यू। आप कई बार कई प्रकार के आशीषों को चाहते होंगे, उनके लिए प्रार्थना मत कीजिए, सिर्फ उन लोगों को क्षमा कीजिए जिन्होंने आपके विरुद्ध बुराई की है। आणि तुम्हाला आशीर्वाद खूप असे प्राप्त करायचे ज्या लोकांनी तुमच्या विरुद्ध मध्ये वाईट काम केले, तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू नका, फक्त त्यांना क्षमा करावा, आशीर्वाद द्या। टुडे यू मे बी इन द जस्ट लाइक जॉब, आज हो सकता है आप अय्यूब के समान होंगे, हो सकते आज तुम्ही योवा प्रमाणे असाल। यू लॉस्ट, ही लॉस्ट 10 चिल्ड्रन, उसने अपने 10 बच्चों को खो दिया, त्याने आपल्या 10 मुलांना गमावले। ऑल मनी वेल्थ एंड ऑल द पोजीशन, उसने अपनी धन संपत्ति और अपने सारे धन को खो दिया, आणि त्याने धन संपत्ति आणि सगळं त्याचं वैभव त्याने गमावलं। हिज बॉडी ऑल्सो बिकम वीक, और उसका शरीर भी कमजोर पड़ गया, आणि त्याचं शरीर देखील एका कमजोर अवस्थेमध्ये आलं। टेरिबल सिकनेस केम, एक बहुत भयंकर बीमारी उसे पकड़ी, आणि खूप भयानक असे आजार त्याला जडले। फ्रेंड्स केम टू कम्फर्ट हिम, दे आर टॉर्मेंटिंग बाय हिज वर्ड्स, देयर लोग उसके मित्र उसको धाड़स बंधाने के लिए आए, लेकिन वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसे उन्होंने पीड़ित किया। आणि वचन ते मित्र त्याला धाड़स देण्यासाठी आले, पण वचनानुसार त्याला ते असे टोचत होते। बट गॉड सेड जॉब, You pray for your brothers. उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा, तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। आणि परमेश्वर ने त्याला म्हटले की तू आपल्या मित्रासाठी प्रार्थना कर। He prayed. उसने प्रार्थना किया। आणि त्याने प्रार्थना केली। In Job we can see when he prayed, his all the things removed, all the problems solved. जब हम अय्यूब में पढ़ सकते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने उसके सारे दुख दूर किया। आपण योबच्या पुस्तकामध्ये बघतो की योबाने त्याच्या मित्रासाठी प्रार्थना केली, परमेश्वरने त्याच्या दुःखाचा परिहार केला। इन 42:10 verse we can see. 42वे अध्याय के 10वे वचन में हम देख सकते हैं। आणि योब 42:10 मध्ये आपण ते बघू शकतो। And the Lord turned the captivity of Job, and when he prayed for his friends. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने उसकी सारी बंधुआई को दूर किया। आणि योबाने त्याच्या मित्रांसाठी जेव्हा प्रार्थना केली, परमेश्वर त्याचा सगळा बंदीवास त्यांनी लोटवला। दे केम अँड विथ मिसरेबल वर्ड्स दे ब्रेक द हार्ट ऑफ जॉब। वे लोग उसको धाड़स बंधाने के लिए आए, लेकिन तीक्ष्ण शब्दों के द्वारा उन्होंने अय्यूब के हृदय को शोकित किया। आणि ते धैर्य देण्यासाठी त्याचे मित्र आले होते, पण तीन शब्दांनी त्यांनी आपल्या मित्राला त्यांनी खेदित केले। प्लीज रीड जॉब 19 चैप्टर सेकंड 2 and 3। अय्यूब 19वे अध्याय का दूसरा तीसरा वचन पढ़े। अय्यूब 19वा अध्याय त्याचा दुसरा आणि तिसरा वचन आपण वाचूया। तुम्ही कोठवर माझ्या जीवास दुःख देणार, कोठवर आपल्या शब्दांनी माझा सुराडा करणार, एवढ्या 10 वेळा तुम्ही माझी अप्रतिष्ठा केली, तुम्ही मशी निष्ठुरतेने वागता, याची तुम्हाला लाज कशी वाटत नाही? तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? हाउ लॉन्ग विल यू वेक्स माई सोल एंड ब्रेक मी इन पीसेस विद वर्ड्स? These 10 times have you reproached me. Ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me. See how they did. देखिए उन्होंने कैसे किया। आणि बघा त्यांनी कशा प्रकारे केले। 16 chapter second verse. 16वे अध्याय का दुसरा वचन। आणि 16वा अध्याय त्याचं दुसरं वचन। असल्या गोष्टी मी पुष्कळ ऐकले आहे,
तुम्हें सगड़े भिकार सांत्वन करते आहा। ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? I have heard many such things. Miserable comforters are ye all. See, they become miserable comforters. देखिए वे लोग निकम्मे ध्यानि दाता बने। आणि बघा ते भिकार व सांत्वन करते असे झाले। They are breaking Job's heart by words. वे लोग शब्दों के द्वारा अय्यूब के हृदय को तोड़ रहे थे। आणि ते शब्दाद्वारे अय्यूबाचे जे हृदय ते छेदत होते। Now God saying you pray for that brothers. अभी परमेश्वर कहता है तुम अपने उन भाइयों के लिए प्रार्थना करो। आणि परमेश्वर म्हणतो त्या भावांसाठी तुम्ही प्रार्थना करा। प्लीज रीड 42 चॅप्टर 10th वर्स। कृपया 42वे अध्याय का 10वां वचन पढ़े। कृपया करून योग 42 हा पण वाचूया। योबाने आपल्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली तेव्हा परमेश्वराने योबाच्या दुखांचा परिहार केला। पूर्वी योबाची मालमत्ता होती तिच्या दुप्पट परमेश्वराने त्याला दिली। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। एंड द लॉर्ड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जॉब व्हेन ही प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स आल्सो द लॉर्ड गिव जॉब ट्वाइस एज मच एज ही हैड बिफोर। ओह डियर वंस व्हेन ही प्रेड गॉड टर्नड हिज कैप्टिविटी। प्रिय लोगो जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को दूर किया। परमेश्वर प्रिय परमेश्वर जो लोगों ने तेरी प्रार्थना के लिए परमेश्वर तेरे दुख का परिहार केला। यू ऑल्सो शुड डू दैट। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारा देखिए अशा प्रकार करायचा आहे। इन दिस डे दिस इयर वी आर गोइंग टू सी द ब्लेसिंग ऑफ ईच अदर। इस साल में हम सभी एक दूसरे को आशीष करने जा रहे हैं। या वर्षा मध्य अपन सगा एकमेकाला अपन आशीर्वाद करना जात आहे। We are going to see the blessing of each other. हम एक दूसरे की आशीषों को देखने जा रहे हैं। अपन एक दूसराचा आशीर्वाद बघण्यासाठी जात आहे। So many people they don't like to see the blessing of others. बहुत से लोग दूसरों की आशीषों को देखना नहीं चाहते हैं। आणि खूप लोक दुसऱ्यांचा आशीर्वाद ते बघू इच्छित नाही। But this year. लेकिन इस साल में. आणि या वर्षामध्ये. God is going to bless all the people. With the Abraham's blessing. इस साल में परमेश्वर हर एक जन को अब्राहम की आशीषों से आशीषित करने जा रहा है। या वर्षा मध्य परमेश्वर सगळ्यांना अब्राहमचा आशीर्वाद आणि आशीर्वाद करू इच्छितो। You bless me. तुम मुझे आशीष दो। तुम्ही मला आशीर्वाद द्या। I made it so many evil for you. हो सकता है मैंने आपके विरुद्ध बहुत सी बुराइयां की हो। हो सकते मैं तुमच्या विरुद्धामध्ये खूप असे वाईट काम केले असेल। I pray for you, you pray for me. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करेल, तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा। Yes, my words, my dealing, so many evils are coming every day. My brothers and sisters are suffering and I've been कई बार मैं अपने भाइयों अपने बहनों के विरुद्ध अपने शब्दों से अपने व्यवहार से कई प्रकार से बुराई करता हूँ या उनको दुख देता हूँ लेकिन वे लोग उसमें भी मुझे संभालते हैं। आणि जे भाई आणि जे बंधू आणि बहिणी मी त्यांच्या विरोधामध्ये काम करतो ते मला ते सांभाळतात। इन माय मिनिस्ट्री सो मेनी इवन शॉर्टकमिंग्स आर देयर। मेरी सेवा में भी कई प्रकार की कमी घटियां हैं। माझ्या सेवेमध्ये देखील खूप असे कमतरता आहे। जस्ट लाइक ए काऊ गिव्स मिल्क डंग ऑल्सो शी पुट। जैसे गाय दूध के साथ साथ गोबर भी देती है। जैसे गाय ते दूधा प्रमाणे ते गोबर देखील देते। Unless remove the cow dung, if I am not unable to carry the cow dung, I cannot enjoy the milk also. यदि मैं गोबर नहीं उठा सकता तो मैं दूध भी नहीं पा सकता। आणि मी जर गोबर उचलू शकत नाही तर मी दूध देखील प्राप्त करू शकत नाही। Every day in our life you will face evil. यदि आप हो सकता है आप प्रतिदिन अपने जीवन में बुराइयों का सामना करते होंगे। हो सकते आपल्या जीवनामध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये आपण दररोज आपण आपल्या विरोध होत असेल। वी डोंट कर्स देम। लेकिन उस समय में आप उनको श्राप मत दीजिए। आणि त्यावेळेस तुम्ही त्या लोकांना श्राप देऊ नका। ब्लेस देम। उनको आशीष दीजिए। त्यांना आशीर्वाद द्या। देन वी कैन सी द वी विल रिसीव अब्राहम्स ब्लेसिंग एंड दे कैन ऑल्सो रिसीव अब्राहम्स ब्लेसिंग। तब हम भी अब्राहम की आशीषों को पा सकते हैं और वे लोग भी अब्राहम की आशीषों को पाएंगे। तेव्हा आपण अब्राहमचा आशीर्वाद आपण प्राप्त करू शकतो आणि ते लोक देखील अब्राहमचा आशीर्वाद प्राप्त करू शकतात। दिस इयर इज अ स्पेशल इयर। आज ये साल एक विशेष साल है। आणि हा वर्ष म्हणजे एक विशेष वर्ष आहे। वी ऑल आर गोइंग टू सी द अब्राहम्स ब्लेसिंग व्हिच वी आर रिसीव्ड वी ऑल। हम इस साल में एक दूसरों के द्वारा पाए जाने वाली सारी आशीषों को परस्पर देखने वाले हैं। आणि या वर्षामध्ये एक दुसऱ्याचे आपण परस्पर आपण सगळ्यांचे आशीर्वाद आपण बघणार आहे। When you are praying for me and I pray for you,
we all are going to receive Abraham's blessing. जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे हम सभी अब्राहम के आशीषों को पाएंगे. जब मैं तुमच्यासाठी प्रार्थना करेल तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना कराल तेव्हा मी आपण सगळे अब्राहमचा आशीर्वाद आपण बघू शकतो. Psalms 106 5:4-5. वचन 106 का चौथा पांचवा वचन. स्तोत्र संहिता 107 4 आणि 5 वचन. Psalms 106 4-5. हे यहोवा अपनी प्रजा पर के प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं. हे परमेश्वरा तू अपने लोकांवर प्रसन्न होतोस तेव्हा माझी आठवण कर माझ्या उद्धारार्थ मला दर्शन दे म्हणजे तुझ्या निवडलेल्यांचा उत्कर्ष माझ्या दृष्टीस पडेल तुझ्या लोकांच्या आनंदाने मी आनंदित होईन तुझ्या वतनांच्या लोकांबरोबर मी उत्सव करीन. रिमेंबर मी ओ लॉर्ड विथ द फेवर दॅट दाऊ बेअरेस्ट अन टू दाय पीपल. ओ विजिट मी विथ दाय सॅल्वेशन दॅट आय मे सी द गुड ऑफ द चोझन दॅट आय मे रिजॉइस इन द ग्लॅडनेस ऑफ द नेशन दॅट आय मे ग्लोरी विथ अन इनहेरिटन्स. डियर वन्स इन दिस इयर we are going to see each other's blessings. Priya logo hum sabhi is saal mein ek dusre ki aashishon ko dekhne ja rahe hain. Priya jano ya varsha madhe apan ek dusrache aashirwad bagna jata ho. Sometime because I am not do good those who are did evil to me I am without Abraham's blessing. कई बार जब मैं दूसरों के क्रिया में बुराई के विरोध उनके में आशीष नहीं कर पाता हूँ उस समय में मैं अब्राहम के आशीष के से अलग होकर दिखाई देता हूँ. जब मला दूसरे वाइट करता मैं त्याला आशीर्वाद देऊ शकत नाही तेव्हा अब्राहमच्या आशीर्वादापासून मी वंचित होतो. इन दिस अकॉर्डिंग दिस वर्स वी ऑल आर फेलिंग सो मेनी प्लेस. इस वचन के आधार पर हम कई स्थानों में मौजूद है आणि या वचनाच्या आधार स्तंभावर आपण खूप अशा जागेवर आपण उपस्थित आहे. बट वी आर गोइंग टू ब्लेस दोस हु आर डूइंग इवल. लेकिन हम उन लोगों को आशीष करने जा रहे हैं जो हमारे विरुद्ध बुराई करने वाले हैं. जे अपन त्या लोकांना आशीर्वाद करना जाता है कि जे लोग अपने विरुद्ध वाइट काम करता देन ऑल आर गोइंग टू रिसीव अब्राहम्स ब्लेसिंग. हाँ तब हम सभी एक अब्राहम के आशीषों को पाएंगे. अपन सगळे अब्राहमचा आशीर्वाद प्राप्त करणार आहे. देन दिस ब्रदर विल सी अब्राहम्स ब्लेसिंग इन मी. जब ये भाई मेरे जीवन में अब्राहम के आशीष को देखेगा आणि हे भाऊ माझ्या जीवनामध्ये अब्राहमचा आशीर्वाद बघतील आई विल सी इन हिम अब्राहम्स ब्लेसिंग. तब मैं उसमें अब्राहम के आशीष को देखूंगा आणि त्या भावामध्ये मी देखील अब्राहमचा आशीर्वाद बघू शकतो. लाइक वाज वी ऑल फिल्ड विद अब्राहम्स ब्लेसिंग्स. और इस प्रकार से हम सभी लोग अब्राहम के आशीष से भरपूर हो जाएंगे आणि आपण सगळे अब्राहमच्या आशीर्वादाने भरपूर आपण असे बनू. अँड ऑल्सो वी शुड बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट गाइडेड बाय द होली स्पिरिट वी विल बी प्रिपेअर फॉर इटर्नल ब्लेसिंग्स. तब उसके बाद हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के बाद उसके द्वारा चलाए जाएंगे नित्य आशीष के भी वारिस बनेंगे आणि पवित्र आत्मेद्वारे आपण चालवले जाऊ आणि नित्याचे वारिस आपण बनूया. एवरीबडी क्लोज अवर आईज. सभी अपनी आंखों को बंद करें. सगळे आपले डोळे बंद करा. रिसीव एन अनॉइंटिंग. एक अभिषेक प्राप्त कीजिए. सगळ्यांनी एक अभिषेक प्राप्त करा. व्हेनेवर पीपल दोस हु आर विथ अस दोस हु आर अपॉइंटेड टू डू गुड नॉट डूइंग गुड इंस्टेड ऑफ दे आर डूइंग इविल आर यू एबल टू ब्लेस देम. जब आपके विरुद्ध जो लोग भलाई करने के लिए नियुक्त किए गए हैं जब ये लोग बुराई करते हैं तो क्या आप उनको आशीष दे पाते हैं? जे लोग तुमच्यासाठी चांगले करण्यासाठी निवडले ते लोग तुमच्यामध्ये वाईट जर करत असतील तर तुम्ही काय कराल? अदरवाइज वी आर फेल सो मेनी टाइम करेक्ट अवेसेस व्हेअरएवर वी आर मिसिंग. और जहाँ कहीं पर भी ऐसा करने में हम पराजित हुए हैं अपनी उन गलतियों को सुधार लीजिए. जेते करने मध्य अपन जेवा जेते अपन हरलो लाए तेते अपन त्या चुका अपन सुधार ले पाहिजे. सो मेनी इयर्स पास्ड देयर इज नो ब्लेसिंग अब्राहम्स ब्लेसिंग इन अ लाइफ कन्फेस एंड करेक्ट अवेसेस. कई सालों के गुजरने के बावजूद भी यदि आज तक हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषें नहीं है तो अपने कभी गटियों को कबूल कीजिए और अब्राहम की उन आशीषों के वारिस बन जाइए. आणि खूप वर्ष आपण घालवले पण आपल्या जीवनामध्ये जर अब्राहमचा आशीर्वाद नसेल तर आपल्या जीवनाला परतडून आपण आज अब्राहमचा आशीर्वाद प्राप्त केला पाहिजे. फॉर दॅट देयर इज नो अनदर वे ओनली वन वे. उसके लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है सिर्फ एक मात्र मार्ग है. त्याला फक्त कुठला मार्ग नाही फक्त एकच असा मार्ग आहे. रिसीव द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट
strength of the Holy Spirit. Bless those who are doing evil to you. पवित्र आत्मा के उस आनंद में भर जाइए और उन लोगों को आशीष दीजिए दो आपके जो आपको श्राप देते हैं. आणि पवित्र आत्म्याच्या आनंदाने भरून जा जे लोक तुमच्यामध्ये वाईट करतात त्या लोकांना तुम्ही आशीर्वादित करा. Our Jesus died on the cross so that you all will live with Abraham's blessing. हमारा प्रभु येशू क्रूस पे इसलिए मरा ताकि हम सभी अब्राहम के आशीषों से भरपूर हो जाएं. आणि आपला प्रभु येशू ख्रिस्त वधस्तंभ या कारणासाठी मेला की आपण सगळ्यांनी अब्राहमाचा आशीर्वाद प्राप्त केला पाहिजे. Through me, through you, all the world should be blessed. मेरे द्वारा आपके द्वारा पूरा संसार आशीष पाना चाहिए. सगळे कुल आशीर्वाद व्हायला पाहिजे. यू मे बी अ स्मॉल चाइल्ड. आप एक छोटे बालक होंगे. तुम्ही एक लहान बालक असाल. यू मे बी अ स्मॉल यंग मॅन. आप एक जवान व्यक्ती होंगे. तुम्ही एक तरुण व्यक्ती असाल. बट गॉड वांट टू थ्रू यू एवरीबडी शुड बी ब्लेस्ड. लेकिन प्रभु चाहता है की आपके द्वारा सभी लोग आशीष पाए. प्रभु इच्छा करतो की तुमच्या द्वारे प्रभु सगळ्यांना आशीर्वाद करू इच्छितो. यू ऑल द एनिमीज पावर शुड बी डिस्ट्रॉइड. तुम्हारे द्वारा शत्रु की सारी सामर्थ्य नाश हो जाए. तुमच्या शत्रुचे सगळे ते युक्ती नाश होतील. रिसीव दॅट अनॉइंटिंग. उस अभिषेक को प्राप्त कीजिए. आणि त्या अभिषेक तुम्ही प्राप्त करा. स्टार्ट टू प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुती करना आरंभ कीजिए. परमेश्वराची स्तुती करण्यास सुरुवात करा. स्टार्ट टू ब्लेस अदर्स. दुसरों को आशीष करना आरंभ कीजिए. दुसऱ्याला आशीर्वाद करण्यास सुरुवात करा. ब्लेस ईच अदर्स. एक दुसरे को आशीष दीजिए. एक दुसऱ्याला आशीर्वाद करा. ब्लेस आवर एनिमीज. अपने शत्रुओं को आशीष दीजिए. आपल्या शत्रूला आशीर्वाद करा. ब्लेस दोस हू आर कर्स्ड यू. आपको जो श्राप देता है उसे आशीष दीजिए. जे तुम्हाला श्राप देता त्यांना आशीर्वाद द्या. This year is for blessing. ये साल आशीषों का साल है. हे वर्ष माझे आशीर्वादाचा वर्ष आहे. Through me and through you. आपके द्वारा और मेरे द्वारा. तुमच्या माझ्या द्वारे तुमच्या द्वारे. All the people of the land will be blessed. जगत के सारे लोग पृथ्वी भर के लोग आशीष पाने वाले हैं. जगातील सगळे लोक आशीर्वाद प्राप्त करणार आहे. Finally as a blessed group we will enter to heaven also. और अंत में एक आशीषित झुंड के रूप में हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे. आणि शेवटी आपण लहान अशा मोठ्या जयवंत कळपामध्ये आपण दिसणार आहे. May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे. आणि प्रभु आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद. Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.